मामा इधर देखो, एक मगरमच्छ का बच्चा दिख रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे एक और नए वीडियो पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो ले आया हूँ आप सब लोगों के लिए एक और नया वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आप। तो हम लोग आखिरकार आ चुके हैं सुंदरबन द्वीप के लास्ट द्वीप में, और आज हम लोग जाने वाले हैं सोजनोखाली ऑफिस, जो एक टूरिस्ट प्लेस है और काफ़ी टूरिस्ट प्रतिवर्ष इस जगह देखने आते हैं इस जगह को। और उस जगह की खास बात यह है, कभी कभार उस साइड टाइगर वगैरह के भी दर्शन हो जाते हैं, दिख जाते हैं टाइगर। बाकी मगरमच्छ, हिरन वगैरह, जंगली जीव वगैरह आप वहाँ देख सकते हैं। और एक म्यूजियम टाइप का भी बना हुआ है वहाँ पे, जहाँ पे सुंदरबन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो हम लोग आज उस जगह जाने वाले हैं और आप लोगों को पूरा एरिया घुमाएंगे अच्छी तरीके से। और अभी फ़िलहाल हम लोग हैं सुंदरबन स्थित दयापुर विलेज। अब हम लोग जा रहे हैं सोजनोखाली की ओर, तो फिर हमारे साथ बने रहिए और वीडियो में आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप सब लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपका भाई आप सब लोगों के लिए इस तरह की नई नई वीडियो लाता रहेगा। तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरा व्यू एक साथ मिलकर देखते हैं। तो आखिरकार हम लोग आ चुके हैं लोकेशन पर, और अभी हम लोगों को नदी के उस साइड जाना पड़ेगा। उस साइड जो आप देख रहे हो घना जंगल, उसी जंगल के बीच में सोजनोखाली ऑफिस स्थित है। और अभी हम लोग दूसरी साइड है, ये साइड है दयापुर विलेज। तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं किसी बोट का, कोई बोट घाट पर आएगा तो उस बोट को हम लोग रिजर्व करेंगे उस साइड जाने के लिए। तो हम लोग तब तक वेट करना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं, क्योंकि अभी जो टूर का टाइम आया नहीं है, मतलब जो टूरिस्ट लोगों का जो भीड़ आता है ज़्यादा, वो टाइम आया नहीं है। तो अभी नॉर्मल टूरिस्ट आ रहे हैं, जिस कारण यहाँ पे जो बोट है वो बहुत कम आता है। तो अभी देखते हैं बोट कितनी देर में आएगा। बोट आने के बाद हम लोग उस साइड जाएंगे, उस साइड जाने के बाद आपको उस साइड का पूरा व्यू दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, आपको सामने बहुत सारे बोट्स दिख रहे होंगे, ये सारे टूरिस्ट बोट हैं। अब इसमें से कुछ बोट्स अभी जस्ट सोजनोखाली ऑफिस आ रहे हैं और कुछ वहाँ से निकल रहे हैं। ये बोट जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो बुक करते हैं, बुक करने के बाद वो पूरा जंगल घूमते हैं। तो ये सारा बुक करके सोजनोखाली ऑफिस आ रहे हुए हैं देखने के लिए। तो आप सामने का व्यू देख सकते हो, कितना ही प्यारा व्यू है। और जो सामने बोट लगा हुआ है वो सोजनोखाली ऑफिस का बोट है। दोस्तों, डेढ़ घंटे वेट करने के बाद ये सामने आपको जो बोट दिख रहा है, छोटी सी नाव, यही है फेरी बोट जो हमको इस साइड से उस साइड लेके जाएगी। और इस फेरी बोट के जो चार्जेस है पर पर्सन 50 रुपये हैं, जिसमें आपको ये उस साइड से इस साइड, मतलब आने जाने दोनों का चार्जेस एक साथ ले लेते हैं। तो इस फेरी बोट से आप उस साइड जा सकते हो। और आसपास के लोगों से मुझे पता चला कि अगर टूर का टाइम होता है तो ये घंटे में एक बार आपको ये बोट यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग सोजनोखाली के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। अभी आप लोगों को कैमरे में दिख रहा होगा सोजनोखाली के जो बोर्ड वगैरह है यहाँ पे क्लियर दिख रहे होंगे आप लोगों को। अभी थोड़ी देर में हमारा जो फेरी बोट है वो फेरी घाट पर लग जाएगा, उसके बाद हम लोग सोजनोखाली ऑफिस के अंदर प्रवेश करेंगे।
हम लोग ये जो सामने सुंदरबन लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा उसके पास वाले जो घाट में वहाँ उतरेंगे हम लोग। तो ये हमारा जो फेरी बोट है अभी थोड़ी देर में वहाँ लग जाएगा। तो दोस्तों हम लोग आखिरकार पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। पीछे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड लगा हुआ है सौदा खाली का। तो अभी हम लोग अंदर का पूरा एरिया घूमेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे सारा। तो वीडियो में बने रहिए और अभी हम लोग अंदर की ओर। आखिरकार हम लोग आ चुके हैं अंदर और अभी टिकट काउंटर से टिकट लेंगे हम लोग, उसके बाद अंदर का सफ़र शुरू होगा हमारा। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों ये जो आपको काउंटर दिख रहा होगा ये सोजनो खाली ऑफिस का टिकट काउंटर है। यहाँ से अगर आपको सिर्फ सोजनो खाली ऑफिस घूमना है तो उसका जो टिकट है आपको 50 रुपये पे करना पड़ेगा, और आपको अगर साथ साथ जंगल घूमना है तो उसके जो चार्जेस है 120 रुपये वो भी आपको यहीं पे करने पड़ेंगे। अंदर की ओर जाते हैं और देखते हैं और क्या क्या दिखता है। बड़ा मज़ा तो आ रहा है यहाँ पे। मामा श्री साथ में है और बंदरों की फौज तो साथ में ही है। फुल मस्ती वाला माहौल बना हुआ है यहाँ पे। ये देखो एक भाई साहब यहाँ पे उदास उदास घूम रहे हैं। ये देखो उदास घूम रहे हैं, अकेले हैं बेचारे, कंपनी चाहिए कंपनी। और ये पीछे है मेरा म्यूजियम हॉल। आज शायद से बंद है, किस्मत ख़राब है थोड़ा। बाकी पूरा एरिया घूमकर आपको पूरा एरिया दिखाएंगे। दोस्तों आपको इस तालाब में एक मगरमच्छ का बच्चा दिख रहा होगा या नहीं होगा कन्फर्म तो नहीं कह सकता। बाकी ये जो तालाब के अंदर एक मगरमच्छ का बच्चा है जो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, कैमरे में आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो कहा जाता है यहाँ पे शेर वगैरह मतलब बाघ वगैरह भी बीच बीच में दिख जाते हैं। तो हम लोग चारों ओर घूम रहे हैं, कुछ भी अगर हम लोगों को दिखता है तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। अभी तक फ़िलहाल एक मगरमच्छ का बच्चा दिखा हमको और कुछ बंदर दिखे यहाँ पे। अभी आगे और देखते हैं और कुछ दिखता है तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी हम लोग अंदर का पूरा परिसर घूम रहे हैं। मौसम भी अच्छा हो रखा है आज, ठंडा ठंडा मौसम है, बारिश का मौसम है। सुबह थोड़ी बहुत बारिश हुई है। अभी आगे देखते हैं कैसा रहता है मौसम। और पूरा एरिया अभी घूम रहे हैं हम लोग, तो आप लोगों को सारा जो चीज़ जो भी हम लोग को दिखेगा वो आपको पूरी डिटेल में दिखाएंगे और वीडियो में बने रहिएगा। अरे रुक जाओ कहाँ भाग रहे हो, पकड़ थोड़ी रहा हूँ मैं। रुक जाओ, पूरी पूरी बंदरों की फौज भाग रही है। ये जो कॉटेज टाइप के बने हुए हैं, ये सारे जो घर बने हुए हैं ये टूरिस्ट गेस्ट हाउस है, जो यहाँ पे जो आने वाले टूरिस्ट के लिए रुकने की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। इस बैनर में सुंदरबन में पाए जाने वाले कुछ पेड़ों के बारे में बताया गया है, और इनमें से कुछ पेड़ों के बारे में मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों ये एक यूरेशियन बर्ड है और यहाँ के लोकल लैंग्वेज में इसको गुलिंदा नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों काफ़ी देर से घूमने के बाद ये टावर दिखा है हम लोग, बस अब इस टावर के ऊपर जाने वाले हैं। ऊपर जाने के बाद आपको चारों ओर का व्यू अच्छी तरह से दिखाएंगे। इस टावर के ऊपर जाने के बाद
सुंदरबन का जो चारों ओर का जंगल का व्यू है वो एकदम क्लियर व्यू दिखता है, और ऊपर जाके देखते हैं कि लोकेशन में जो व्यू कैसा दिखता है। और अभी तक अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरह की नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलो अभी ऊपर चलते हैं, आ जाओ। तो भाई साहब 3 मंजिल है, काफ़ी बढ़िया बना रखा है और जगह जगह बना रखा है सर। ये टूरिस्ट लोग आते हैं, इसके ऊपर जाते हैं और जो जंगल का चारों ओर का व्यू है देखते हैं और जंगली जानवर देखने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि इसके ऊपर जाने के बाद जंगल में अगर कोई शेर वगैरह हो, बाघ वगैरह, तो वो सारा व्यू आप देख सकते हो। और ओहो, ये देखो भाई साहब, मधुमक्खी का छत्ता देख रहे हो कितना बड़ा है, हनी भी कितने पास है फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, बड़े प्यारे मधुमक्खी है। तो अभी हम लोग और ऊपर चलते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है, आप चल रहे हैं सेकंड फ्लोर की ओर। और आ चुके हैं सेकंड फ्लोर, इसके बाद फाइनल, उसके बाद चारों ओर का व्यू देखेंगे। और अभी तक हम लोगों को बस कुछ ही नहीं दिखा, इतना कुछ बंदर दिखे हैं, बहुत सारे हैं, बंदरों की तो पूरी फौज दिख रही है यहाँ पे, और एक मगरमच्छ का बच्चा दिखा है, मगरमच्छ का बच्चा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट फ्लोर पर, ये है लास्ट फ्लोर, और अभी आप लोगों को चारों ओर का व्यू दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। चारों ओर का व्यू देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर चारों ओर का व्यू देखते हैं। दोस्तों हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतरने के बाद आसपास अगर हम लोगों को कुछ और दिखता है तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो में बने रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आसपास का व्यू आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस व्यू में आके, और मौसम भी ख़राब हो रखा है, बारिश कभी किसी वक्त भी आ सकती है, ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही है चारों ओर और ज़ोरदार मौसम हो रखा है। दोस्तों बोलते बोलते ही बारिश आ गई, और अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग अभी एक साइड के नीचे बैठे हैं, बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं। बारिश रुकने के बाद थोड़ी सी जगह और बच गई है तो वो सारा घूमेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। बाटागुर बास का एक टर्टल की प्रजाति है, ये एक तरह का टर्टल है, और क्लियर तो नहीं देख पा रहे हैं, बाकी ये पानी में से अपना मुंह निकाल रखा है बाहर, काफ़ी टर्टल है ये, देखो एक और इसने मुंह निकाला है, तो ये सारे टर्टल हैं। तो दोस्तों 12 बजने वाले हैं और ज़्यादा तो कुछ हम लोगों को दिखा नहीं, जो दिखा आप सब लोगों ने देखा, तो हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा,
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा मैं। तो बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, ज़िंदगी है जनाब, हमेशा मुस्कुराते रहिए। सी यू सो।